सभी के साथ धोखा किया है, सभी के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं सभी के साथ धोखा किया है। एग्जाम फॉर्म फिलअप करा लिया है, 500 रुपये फीस ले लिया है, बोलते हैं 500 रुपये फीस लेने के बाद कहते हैं कि 400 रुपये वापिस कर देंगे, अपनी जेब को फुल कर लिया है और एग्जाम की डेट अभी तक क्लियर नहीं है। 1.5 साल हो चुका है, रेलवे का एग्जाम नहीं कराया है, क्यों नहीं कराया है कोई फर्क ही नहीं पड़ता सरकार को, सब के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मीडिया वालों की बात करें तो मीडिया वाले कोई भी डिबेट नहीं कराते, शिक्षा को लेकर के कोई भी डिबेट नहीं कराते हैं, क्योंकि सब के सब दलाल हैं, सारे सारे के सारे दलाल भरे पड़े हैं। और फ्रेंड्स बात करते हैं मोदी जी की, तो मोदी जी ने आज तक किया ही क्या है, युवाओं के बाद भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, कैसे कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, 1 से 1.5 साल तक कैसे तैयारी करेगा हर स्टूडेंट्स। हो सकता है किसी पे पैसे हो या ना हो, उनके माता पिता किस प्रकार से पैसे इकट्ठे करके उनको कोचिंग कराते हैं, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मरे या जिए इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, युवाओं के भविष्य के बारे में कभी भी सोचती नहीं है। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अभी आप सभी को आवाज़ उठानी होगी, जितने भी टीचर्स यूट्यूबर्स ने आपके लिए आवाज़ उठी है आप सभी को उनका सहयोग करना होगा और सभी को ट्वीट करना होगा। और फ्रेंड्स आप सभी देख पाएंगे 1 हफ्ते के अंदर आप सभी को मोदी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ, यहाँ पर बेरोजगार को चाहिए रोजगार, ये आपका यहाँ पर टाइटल होना चाहिए, युवा शिक्षा आंदोलन भी किया जाएगा। यदि सरकार अब भी ट्विटर कैंपेन के माध्यम से नहीं मानती है तो आपको युवा शिक्षा आंदोलन लाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा सभी को। तो सभी यहाँ पर रेलवे और SSC और NTPC एग्जाम को लेकर के बहुत सीरियस हैं, तो सभी छात्र यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी टीचर, जितने भी टीचरों ने यहाँ पर इसके ऊपर वीडियो बनाई है उन सभी का यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो आपकी भारत की बिक चुकी है, वो सरकार के इशारों पर नाचती है। बेरोजगार मोदी जी बंद कीजिए मन की बात, अब तक नहीं चलेगा, राष्ट्रीय शिक्षा युवा आंदोलन 2020 आकर रहेगा यदि आपने जवाब नहीं दिया तो। हक से मांगेगा हर युवा रोजगार, क्लियर करो एग्जाम डेट इस बार, हक से मांगेगा हर युवा रोजगार, क्लियर करो एग्जाम डेट इस बार। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, ये आपको ट्विटर कैंपेन के माध्यम से चलाना है। और एक आपको क्या करना है, हैशटैग नो जॉब नो वोट, नो जॉब नो वोट, जब तक जॉब नहीं तब तक वोट नहीं, इस सरकार को तभी पता चलेगा कि जब तक जॉब नहीं तब तक वोट नहीं, तो इस युवा ने इस सरकार को बनाया है और यही युवा इस सरकार को नीचे गिरा सकती है। तो आपको ये ट्विटर के माध्यम से चलाना होगा, सभी टीचरों का सहयोग करना होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।